प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि चुनाव लड़ने में किसी के लिए रोक नहीं रहती है, वह रिश्तेदार ही क्यों ना हो। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल की पत्नी के पार्षद चुनाव लड़ने पर बोलते हुए उन्होंने यह बात कही है। मंत्री टीएस सिंहदेव मनेंद्रगढ़ से निकल गए, लेकिन मंत्री के आने की खबर किसी कांग्रेसी नेता को नहीं लगी। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार की रात अंबिकापुर से भोपाल जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने मनेंद्रगढ़ में सड़क किनारे रुककर मीडिया से बात की। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में गुटबाजी को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि कोरिया जिले में मैंने इस बार कोई हस्तक्षेप नहीं किए है, ना ही कोई सलाह दी। उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते विनय जायसवाल की भी भूमिका थी, किसी को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। आगे टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस के अलावा भाजपा से भी बागी लड़ रहे हैं, असंतुष्ट लोगों से चर्चा करें कि एक परिवार में रहे। हर चुनाव चुनौती होती है, यहाँ सबकी जिम्मेदारी है कि बेहतर परिणाम आए। भोपाल जाने के लिए अनूपपुर तक ट्रेन पकड़े जाने के दौरान मनेंद्रगढ़ में सड़क किनारे गाड़ी रोक कर मीडिया से उन्होंने चर्चा की। किस तरह से उनको मनाया जाएगा और क्या कुछ करेंगे उसमें? हर चुनाव एक चुनौती होती है और संगठन के लिए भी, पार्टी के लीडर्स के लिए भी, सबके लिए, हम सब के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का समय होता है जब पार्टी के लिए परिणाम, बेहतर परिणाम हम लोग दे सकें। और शासन सत्ता अगर प्रदेश में है तो उसके साथ समन्वय करने वाले नगरीय निकाय, पंचायती राज के चुनाव के माध्यम से जो निकाय हैं वो साथ में काम कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक ये मौका है। बागी लड़ने की बात आ रही है तो मैं समझता हूँ कि सभी पार्टी इसी दौर से गुजर रहे हैं। भाजपा के भी बागी उम्मीदवार खड़े हुए हैं ऐसा मैंने सुना, कांग्रेस से भी जुड़े हुए लोग उन्होंने नॉमिनेशन भरा है। एक शायद ये सभी दलों के साथ भी हो कि जब टिकट फाइनल नहीं होते और आज अंतिम तारीख थी तो कई लोगों ने नॉमिनेशन पहले ही भर दिए थे, साइट के हिसाब से या पंडित जी लोग जो भी अपने मंशा के हिसाब से उन्हें पहले भर दिए थे और घोषणाएं थोड़ी सी बाद में हुई। उन परिस्थितियों में ये भी असमंजस की स्थिति थी कि किसका आरक्षण है या किसका सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें भी संशय की स्थिति अभी बनी हुई है कि क्या अस्थायी प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा या कई लोगों के प्रमाण पत्र अस्थायी हैं लेकिन चुनौती मिलेगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रद्द हो जाएंगे। तो एक से ज़्यादा भी फॉर्म एक दल के उन कारणों से भी हो सकता है कि भरे हों। बहरहाल प्रयास हम लोग यही करेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जहाँ जहाँ जिन्हें असंतुष्ट या बागी माना जाता है उनको हम चर्चा करके प्रयास करें, उनको सहमति उनकी लें कि पार्टी का टिकट एक को ही अंततः मिलेगा। तो आपके सहयोग के बिना कमजोरी भी हो सकती है और ये मौका है अच्छे से पब्लिक के लिए काम करने का, लोगों के लिए काम करने का। तो हम लोग चाहेंगे कि सब एक परिवार के दायरे के अंदर ही रह के हम लोग चुनाव लें। बाबा, दो दो तीन तीन बार के जो पार्षद हैं, लगभग 7 पार्षदों के टिकट काटा गया, इसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी नज़र आ रही है कांग्रेस में, 3-4 गुटों में कांग्रेस नज़र आ रही है महेंद्रगढ़ में। अध्यक्ष जी तो बगल में खड़े हैं, इनने भी पहल की होगी। 7 पार्षद ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन बार के पार्षद हैं, वो चुनाव रिपीट भी कर सकते थे। ये सही है कि इस बार मैंने बहुत ज़्यादा सीधा हस्तक्षेप या कोई सलाह मैंने यहाँ नहीं दी मनेंद्रगढ़ में, और कारण भी ये था कि मैं बाहर भी रहा, घर में भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन सिटिंग पार्षद ज़्यादा कटे हैं, कारण क्या है मैं इसके बारे में तो बाबा नगर बनेंद्र विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की पत्नी पार्षद के चुनाव लड़ रही हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? रोक तो किसी के लिए नहीं रहता है चुनाव लड़ने के लिए। विनय जायसवाल जी को भी भूमिका आपकी मिली थी सिटिंग विधायक होने के नाते, अगर उनकी स्थिति वार्ड में अच्छी है और लोग चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें तो कोई किसी के रिश्तेदार हों या पत्नी हों या पति हों या उस नाते टिकट मिले वो भी ठीक नहीं है, उस नाते टिकट ना मिले वो भी ठीक नहीं। अगर उनकी स्थिति एक जीतने वाले प्रत्याशी की है तो कारण ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी की पत्नी है इसलिए टिकट मिल रहा है, कारण ये होना चाहिए कि वो बेस्ट कैंडिडेट होना चाहिए।